हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए, आपको ये वाटर पंप का प्रेशर स्विच है, अटालिन बना हुआ, ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो आपको आज पहले मैंने कार्ड के बारे में बताया था, अभी आपको मैकेनिकल के बारे में बताएंगे। मैकेनिकल भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये वर्क नहीं करता, मोटर जो है ना वो अलातूल चलती रहती है। इसका ये अंदर देखना, ये वाल है, ये वाला वाल, अगर ये वाल बंद हो जाए या इसका स्प्रिंग ख़राब हो जाए तो फिर भी ये पंप ऑटोमेटिक नहीं काम करेगा और पानी सर्कुलेट करता रहेगा। दिस क्योंकि इसका ये सेक्शन एरिया है, अगर आप ये यहाँ पे लगा देंगे तो ये पानी नहीं जाएगी, नहीं पानी यहाँ की, क्योंकि वाल क्लोज हो जाता है। यहाँ से जब पानी जाता है तो प्रेशर से ये ओपन रहता है, जब वहाँ से आप नीचे से वाल क्लोज करेंगे तो ऑलरेडी ये इस साइड से ये वाल क्लोज हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, एयर देकर इसको, यहाँ से एयर देकर ये वाल क्लोज हो जाता है। आप सेक्शन इस तरफ करेंगे, ये वाल की तरफ से, ये वाल जब अंदर जाता है तो पानी जाता है आगे दूसरी लाइन में, डिलीवर यहाँ से हो जाता है। जब आपकी यहाँ से पानी ना आए तो यहाँ से जो, अगर आपके टैंक में पानी ऊपर नहीं रहा तो पानी नहीं आ रहा तो ये वार्निंग की लाइट देगा। वो कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, ड्राई सेंसर है, जब पानी नहीं होगा तो ये सेंसर इस फॉल्ट को, यहाँ पर इंडिकेशन फॉल्ट की है, वहाँ पर इंडिकेशन फॉल्ट की देगा फिर ये, तो ये बग़ैर पानी से भी नहीं चलता, फिर भी फॉल्ट देता है इसको, यहाँ पर इंडिकेशन आ जाती है। तो बाकी यहाँ से आप जितना भी प्रेशर एडजस्ट करना हो, आपने यहाँ पे देखना, ये तीर का निशान, ये प्लस और ये माइनस, आपको ऐसे टर्न करना है इसको, कम प्रेशर पे करना है, तीन बार पे करना है। ये इसकी डायल लगा हुआ है, साइड पे डायल लगा हुआ है, ये वाला, ये आपने पांच बार पे रखना है, तीन बार पे रखना है, कितने पे क्लोज हो कितने पे ओपन हो, जितना आप एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर एक वाल्व के ऊपर स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग लगा हुआ है, माइनस करेंगे तो आपका दो बार पे तीन बार पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आप डायल को भी साथ साथ देखते जाए ना, डायल जो है इसका, ये कितने बार पे सेट करना है, दो बार पे करना है, तीन पे करना है, पांच करना है, तो आप इसको एंटी क्लॉक्स ऐसे घुमाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्लॉक्स वाइज घुमाएंगे तो प्लस ज़्यादा बार होगा। तो ये अटालियन स्विचेस है पेंटेक्स वालों का, ये बहुत अच्छा स्विच है, बहुत काम करता है। बाकी इसकी कार्ड में प्रॉब्लम बहुत कम होती है, कार्ड ठीक होते हैं, इंडिकेशन ऑन होती है, सब कुछ होती है। ये वाल्व ख़राब होने की वजह से फिर भी ये काम नहीं करता, तो आप इस वाल्व को ज़रूर चेक कर लिया करें। अभी सेक्शन की तरफ ये देखो ना, साउंड आ रहा है इसका वाल्व सही काम कर रहा है। या इस साइड से आप हवा दिया करें, ये क्लोज़ होता है कि नहीं होता, अगर वहाँ इस साइड से हवा बाहर निकल जाए तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हवा इस साइड से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये स्विच जो है ना, मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से भी काम नहीं करता, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो आप ऑन करेंगे तो मोटर पर सप्लाई जाएगी, पर पंप नहीं बंद होगा। अगर पाँच बार पर हमने प्रेशर सेट किया है तो पांच बार जब पूरा हो जाएगा, लाइन में प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, तो ये लिमिट स्विच जो है इसको ये ऑफ करवा देगा लिमिट स्विच, जो कार्ड क्लोज, मोटर बंद हो जाएगी। जब भी आप जो भी है उसको ओपन करेंगे, वाल्व्स को ओपन करेंगे पानी के लिए यूज़ करने के लिए, तो पानी जब डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ ये कंटेक्ट फिर लग जाएगा, तो मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। या भी आप कम से कम भी सेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तीन बार पर रख सकते हैं। अगर आप लाइन पर तीन बार प्रेशर मेंटेन हो गया, स्विच ने ऑफ करवा दिया, छोटे से लिमिट स्विच ने यहाँ पे, तो अगर तीन बार से ये कम हो गया ना, प्रेशर लो हो जाता है, दो बार एक बार हो जाता है, तो ऑटोमेटिक पंप चलना फिर शुरू होता है, फिर पानी देना शुरू हो जाता है। तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से नहीं होता। जो पंप ऑन हो, चल रहा हो, ऑटोमेटिक चल रहा हो, इंडिकेशन आ रही हो ऑन ऑफ की, तो कार्ड सही होता है। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम, ये वाल्व ख़राब होने की वजह से, या आपने गलत लगा दिया, सेक्शन इधर लगा दी, डिलीवर इधर लगा दिया, फिर भी नहीं काम करेगा। ज़रूरी आप देखें जिस साइड पे वाल्व होगा उस साइड से आपने पानी का कनेक्शन देना है, सेक्शन देनी है इसका, इस साइड पे डिलीवर है।
तो मेरी वीडियो आपको पसंद है ज़रूरी लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास बहुत बहुत जल्द वीडियो नहीं पहुँचेंगी। ये पेंटेक्स का और प्रेशर स्विचेस है, ये आप इटालियन यूज़ किया करेंगे, बहुत अच्छी कंपनी का है, ये लाइफ टाइम गारंटी है। बाकी पानी आपका टैंक का पानी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, पानी ज़रूरी होना चाहिए, और पानी के बगैर चलने से ये स्विचेस जो वाल्व ख़राब हो जाता है। और आपने टैंक को 2 महीने या 3 महीने के बाद आप ज़रूरी क्लीन किया करें, क्योंकि जब इसमें डस्ट चली जाती है ना, टैंक में डस्ट होती है, तो पानी के लिए डस्ट इस वाल्व में जाती है, तो वाल्व ब्लॉक हो जाता है अलातूल और पानी चला जाता है। इसलिए आप कोशिश किया करें टैंक को भी साफ़ करके रखें। मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी नई नई वीडियो आपको तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।